Welcome to our channel of Tax Club. I am CA Keshav Chhabra और हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर Exemption from GST. इससे पहले कि हम अपनी जो है क्लास स्टार्ट करें, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर आपको फटाफट से आपको तभी ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप तभी ही नेक्स्ट वीडियो जो है देख पाए. ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मुझे एक कमेंट आया था वीडियो पे कि सर ये जो चैप्टर्स है कितने मार्क्स की है जीएसटी में. तो बेटा उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे. तो अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आईसीआई के द्वारा, आईसीआई की द्वारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है प्रोवाइड करी गई है सेक्शन वाइज. ये आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है जहां पे एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स जो हमारा चैप्टर है वो आ रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, या ये सबसेक्शन नहीं है पार्ट 2. तो जो ये जितने भी चैप्टर्स है ये 5 चैप्टर्स जो है ये कवर करते हैं हमारे ऑलमोस्ट 30-50%, यानी कि मैं बोल दूं तो 12-20 मार्क्स, जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी लॉ था, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, चार्ज ऑफ टैक्स, ये तीनों हम कर चुके हैं ऑलरेडी और अब हम कर रहे हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स. तो मैं कह सकता हूं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स में से नियरली जो मैं पास के ट्रेंड्स देखूं और मार्क्स की वेटेज देखूं तो ये चैप्टर अकेला 6 मार्क्स का आ सकता है और आने को ये मैक्सिमम 12 मार्क्स तक आ सकता है, क्योंकि ये सेक्शन की वेटेज है 12-20 मार्क्स. तो मैक्सिमम ये 12 मार्क्स का आ सकता है एक चैप्टर से आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स. मिनिमम मैं एज्यूम करता हूं कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का तो आता ही है. जनरली हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट का जो क्वेश्चन पेपर था यानी कि मई 2018 का, उसमें देख भी लेंगे कि ये कितने मार्क्स का आया था. चलो आओ तो अभी शुरू करते हैं. ये एक बच्चे का डाउट आया था वीडियो पे, कमेंट आया था, मैं उसी के लिए ये बता दिया और आप सबको भी इससे हेल्प हो जाएगी कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है. ठीक है सर, ये आईसीआई का मॉड्यूल है. अब हम अपने नोट्स में चलते हैं क्योंकि आईसीआई का मॉड्यूल आप देखोगे तो इन्होंने मॉड्यूल तो बहुत अच्छा बनाया है, बट एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने ये एग्जेम्पशन आपको कराऊंगा एग्जेम्पशन नंबर 8, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कुछ मोस्टली एग्जेम्पशंस में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको जहां पॉसिबल होगा वहां पे आपको एग्जाम्पल दे के चलूंगा. एग्जाम्पल करते हुए चले गए हम और बहुत सारी एग्जेम्पशंस में हमें डेफिनेशंस को रीड करने की जरूरत पड़ती है. जैसे लास्ट क्लास में हमने चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन पढ़ी कि भैया कौन सी होती है चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन बिल्कुल एंड में दी हुई है. ठीक है, तो सब कुछ इधर उधर हो रखा है, तो मैंने अपने नोट्स में जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है हमें एक एंट्री से रिलेटेड वो मैंने एक ही जगह कर दी है, सारी कंबाइन कर दी है और जितना उसका एनालिसिस हो सकता था कि जितने भी पॉसिबल वेस में, तो वो सारे एनालिसिस मैंने इंक्लूड कर लिए है ताकि आपका जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो और आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, इजीली आप आंसर कर पाए एग्जामिनेशन में आप जब भी बैठोगे. ठीक है सर, तो हमने जो है एग्जेम्पशन नंबर 7 तक कर चुके थे लास्ट क्लास में. ठीक है, आज हमें करनी है एंट्री नंबर 8. तो चलो आओ स्टडी करते हैं अपनी एंट्री नंबर 8. तो अभी तक हमने कुछ एंट्रीज देखी है कि सर्विस अगर प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी, इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शन, एंट्री नंबर 5 और 6 4 और 5, और हमने देखी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट दीज 4 सर्विसेज की पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, और एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, या फिर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही है. बट अगर सर्विस जब बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही है तो
तो उसकी एक और हमने एंट्री देखी कि भैया अगर 20 लाख रुपीस या 10 लाख रुपीस तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रही है तो वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आओ देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी, मैं बोल दूं गवर्नमेंट इसको कंबाइन कर दूं और लोकल अथॉरिटी, तो ये आपस में ही एक दूसरे को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू अनदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है सर, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो आ गया कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विसेज इन रिगार्ड टू, तो सर्विसेज नॉट कवर्ड बाय एंट्री नंबर 6 आर एग्जेम्प्ट इफ रेसिपिएंट इज अनदर, मतलब कि इन तीन सर्विसेज को छोड़ के सारी एग्जेम्प्ट है, तो क्या ये टैक्सेबल है? आओ चलो एंट्री नंबर 6 में चल के देखते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सी सर्विस? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है सर्विस बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। तो प्रोवाइडेड टू ए पर्सन, अगर वो प्रोवाइड करी जा रही है अदर देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो हमने इसकी एनालिसिस करा था कि सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है और अगर ये चार सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी अदर देन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जा रही है तो ही वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी हमारी। तो ये एंट्री नंबर 6 में हमारी जो है एग्जेम्प्ट हो रही है। और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है अगर सर्विस प्रोवाइड करता है इन चार के अलावा तो ये तो हमारी सारी की सारी, चाहे वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट को, वो एग्जेम्प्ट है, ऑलरेडी हमारी एग्जेम्प्ट है। लेकिन इन दो एग्जेम्प्शन में ये जो वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है ये किसी को भी प्रोवाइड करी जाएगी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हमने एनालिसिस करा था यहाँ कि पोर्ट और एयरपोर्ट की सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अगर किसी भी पर्सन को जो है प्रोवाइड करी जाएगी तो जीएसटी हमारा पेबल होएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करें कि भैया ये सर्विसेज तो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, बट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इस वाली सर्विसेज की एंट्री नंबर 6 के अलावा टैक्सेबल हो जाएगी, बट ये वाली सर्विस जो है हमारी एंट्री नंबर 8 में एंट्री नंबर 6 में ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, हमारी ये एग्जेम्प्ट है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी और गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को ये दो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी यानी कि एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बहुत मिक्स हो गया। आप एक बार प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुनिएगा, आपको पक्का से ये क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, क्या कि अगर गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन ये तीन सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होगी। कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, एयरक्राफ्ट और वेसल की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की। लेकिन हमने देखा इस सर्विस से रिलेटेड इन तीन सर्विस जो है एंट्री नंबर 6 में कवर हो रही थी, हम एंट्री नंबर 6 में गए जहां पे हमने देखा कि ये वाली सर्विस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जाएगी अदर देन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी तो टैक्सेबल हो जाएगी, तो यानी कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जा रही है तो ये हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जबकि ये दो सर्विसेज जो है अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट को कर रही हो, चाहे वो कॉमन सिटीजन को कर रही हो, चाहे वो बिजनेस एंटिटी को कर रही हो, ठीक है। इनके अलावा लेकिन कोई सर्विस होगी, ऑल अदर सर्विसेज पॉइंट नंबर 4 था एंट्री नंबर 6 में, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी विल बी टैक्सेबल। लेकिन हमारी एंट्री नंबर 7 आ रही थी जहां पे बात हो रही थी कि भैया बिजनेस एंटिटी
की टर्नओवर अगर 10 लाख और 20 लाख तक है तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आओ चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर सोर्स मिनिस्ट्री जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो प्रोवाइड कर रही है डाटा सर्विसेज टू वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट को कुछ डाटा प्रोवाइड कर रही है वाटर का कि देखो इतने टन्स हमारा वाटर यहां सप्लाई हो रहा है, हमें यहां रिक्वायर्ड है, इतने पर्संस की पॉपुलेशन हमारी राजस्थान में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सर्वे करवाती है कि कितनी पॉपुलेशन है। अब राजस्थान गवर्नमेंट को जो है राजस्थान गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया हमारे पास राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है ताकि वो देख सके कि हमारी कितनी डिमांड एटलीस्ट होगी कि हम उतना वाटर तो है एटलीस्ट रिजर्व करें कॉमन पर्सन के लिए। तो वो डाटा सर्विसेज लेती है कि जिससे वो एनालाइज कर सके, बजट कर सके कि कितना हमें वाटर कैपेसिटी चाहिए, वाटर हमारा स्टोरेज चाहिए। तो उसके लिए जो है चार्ज करती है ₹50 लाख। आप जो है एग्जाम्पल में कट करके 56 लाख को एक बार रिज्यूम करें कि 8 लाख रुपीस चार्ज करती है। और मैं एक एजम्पशन देता हूं आपको कि वाटर रिसोर्स यूटिलिटी जो है बिजनेस एंटिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो राजस्थान स्टेट, चाहे वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है एक बिजनेस एंटिटी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट भी है, जो गवर्नमेंट जो होगी वो एक बिजनेस एंटिटी होगी। अब सर ये एक बिजनेस एंटिटी है तो सर ये एग्जेम्प्ट होगी अंडर एंट्री नंबर, किसमें एंट्री नंबर हमारी एग्जेम्प्ट होगी एंट्री नंबर 7 में, कि अगर इसकी टर्नओवर जो है लेस देन 20 लाख या 10 लाख है राजस्थान है तो कौन सी लिमिट 20 लाख की। तो सर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट क्या हम इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के लिए एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आ गया बताया नहीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितनी टर्नओवर है कि 20 लाख होगी, वो एक वेग लगेगा। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट की टर्नओवर है वो 20 लाख कुछ भी नहीं है, ग्रेटर देन 20 लाख ही होगी। तो सर क्या ये टैक्सेबल हो जाएगी? यहां पे तो मैंने आपको एंट्री के साथ दे दिया एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपका एंट्री के साथ नहीं गिवन होगा, सिर्फ एक लाइन गिवन होगी और पूछ ले जाएगा वेदर दिस सर्विस प्रोवाइडेड इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन और नॉट, और आपको एंट्रीज का रेफरेंस देते हुए सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो आप फॉर श्योर ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक बिजनेस एंटिटी है लेकिन इसकी टर्नओवर जो है 20 लाख से एक्सीड करेगी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। बट इसको जो है स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया है एग्जेम्पशन में, अगर क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, तो ये हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किस तरीके से आंसर करेंगे आओ देखते हैं। आपको पहले एंट्रीज का रेफरेंस देना पड़ेगा, मैं सिर्फ क्रक्स बता रहा हूं। जीएसटी के अंदर जो है अंडर जीएसटी गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट से बिजनेस एंटिटी, तो जहां पे हमने बिजनेस एंटिटी पढ़ा था और आपको क्वेश्चन में कह देता है कि गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट का आपको एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में और कह देता है टर्नओवर 17 लाख है, तो उस केस में तो हमारी सीधा एंट्री नंबर कौन सी एंट्री नंबर 7 में ये एग्जेम्प्ट हो गई। लेकिन कुछ प्रोवाइडेड नहीं है एग्जाम्पल में तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्या कि ऑफ कोर्स जो है 10 रेसिपिएंट यानी कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान स्टेट इज ए बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर डेफिनेटली मोर देन ₹20 लाख और 10 लाख। However, services to such recipient shall be exempt wide entry number 8 कि अगर गवर्नमेंट को ही सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है इन तीन सर्विस के अलावा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो हमारे एग्जाम्पल में जो है डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है यानी कि ये हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे सकता था कि भैया गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जा रही है क्या ये एग्जेम्प्ट होगी, बट मैंने ये एनालिसिस इसलिए दिखाया कि किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओ। ठीक है सर, तो अभी हमने देखा था कि
एंट्री नंबर सिक्स में कि बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एंट्री नंबर सेवन में देखा कि अप टू 10 लाख और 20 लाख रुपीज तक प्रोवाइड करी जा रही है, टर्नओवर जिनकी 10 लाख या 20 लाख तक है उनको प्रोवाइड करी जा रही है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फर्स्ट थ्री पॉइंट के अलावा कोई भी सर्विस, फर्स्ट थ्री पॉइंट कौन से, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक हमारा क्या सेकंड क्या था कि इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट या हमारे वेसल से रिलेटेड सर्विसेज। थर्ड था हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स एंड पर्संस, ठीक है। तो इन तीन के अलावा सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही थी तो वो हमारी टैक्सेबल हो रही थी, लेकिन बिजनेस एंटिटी अगर लेस देन 10 लाख और 20 लाख तक है तो हमारी वो एग्जेम्प्ट हो रही थी। बट एक और एंट्री आई अब गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर अगर हमारी जो सर्विसेज है इनके अलावा जो बिजनेस एंटिटी को भी प्रोवाइड करी जा रही है बट अगर जो कंसिडरेशन चार्ज है वो लेस देन ₹5,000 है तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करी जा रही है जिसकी कंसिडरेशन ₹5,000 है वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कैसे, आओ देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन ऑफ सच सर्विसेज, कंसिडरेशन देख लो भैया, कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड कितने रुपए, रुपये 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। तो अगर 5,000 से एक्सीड नहीं करेगी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, कौन कौन सी सर्विसेज, वही तीन सर्विसेज। देखो उन तीन सर्विसेज का नहीं मानेंगे कि 5,000 तक का उन पे जरूर लगाएंगे, हर जगह ये तीन सर्विसेज आ रही है तो याद रखना इस तीन सर्विसेज पे तो हमेशा ही टैक्स लगेगा। प्रोवाइडेड फर्दर सेकेंड प्रोविजो क्या कहता है, दैट इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी, जहां पे जो हमारा पीरियड ऑफ सर्विस है मोर देन 3 मंथ्स है, एज डिफाइंड इन दिस इज प्रोवाइडेड बाय कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, द एग्जेम्पशन शेल अप्लाई ओनली वेयर द कंसिडरेशन चार्ज, जहां पे कंसिडरेशन जो है चार्ज हो रही है जो फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं कर रही, 5,000 रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 5,000 रुपीज एक्सीड नहीं कर रही है वो इन ए फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में देखो हमारी लिमिट तो 5,000 की ही है, हमारी लिमिट तो जो है वो 5,000 की ही है करक्स में, लेकिन नॉन कंटिन्यूस सप्लाई है अगर हमारी तो भैया वो पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी, और अगर कोई कंटिन्यूस सप्लाई है जो कि मोर देन 3 मंथ्स लग रहे हैं जिसमें, उसमें हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो ये पर ट्रांजेक्शन, ये यहां पे देखेंगे पर ट्रांजेक्शन 5,000 रुपीज तक की होनी चाहिए, यहां पे कंटिन्यूस सप्लाई करी जा रही है तो जितनी भी कंटिन्यूस जो 3 मंथ्स तक आप चार्ज कर रहे हो उसकी टोटल वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस सप्लाई आप कर रहे हो फर्स्ट मंथ में चार्ज कर रहे हो 2,000, सेकेंड मंथ में 2,000, थर्ड मंथ में 2,000, तो अगर आपने इस तरीके से चार्ज कर रहे हो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए यानी कि 6,000 हो गए तो वो जो है हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्रक्स पढ़ते हैं, क्या क्रक्स कहता है, ऑल सर्विसेज नॉट कवर्ड बाय एंट्री नंबर 6 शैल बी एग्जेम्प्ट। तो अगेन जो वहां पे सर्विसेज कवर नहीं हो रही थी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी भैया, कि कहां पे, यहां पे टैक्सेबल ही कौन सी हो रही थी हमारी, हमारी टैक्सेबल हो रही थी जब ऑल अदर सर्विसेज हमारी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही थी, बाकी तो हमारी एग्जेम्प्ट ही थी। ये तीन सर्विसेज तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होनी, टैक्सेबल होनी है, पोर्ट और एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट और ये स्पेसिफाइड फॉर सर्विसेज हमारी, ये हमेशा ही टैक्सेबल होनी है। तो जो हमारी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी जा रही थी जो टैक्सेबल थी तो वो अगर 5,000 रुपीज तक उसकी कंसिडरेशन है तो वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यहां पे आप एंड करके लिख लीजिए क्योंकि हमें एंट्री नंबर
सेवन को भी ध्यान में रखना है, एंट्री नंबर सेवन को, जो कि बिजनेस एंटिटी की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख है तो वो तो वहीं पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मान लो उससे ज्यादा है तो हमारी एंट्री नंबर 9 में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 10th एग्जाम्पल पढ़ ले क्या इसका? चलो आओ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड ऑफ मुंबई हैज टेकन सैनिटरी फी ऑफ ₹3,000 फ्रॉम कंपनीज। हर एक कंपनी से भैया, हर एक कंपनी से ₹3,000 लिए है। अब बताओ हाउसिंग बोर्ड ऑफ मुंबई, ये क्या गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है? क्या हाउसिंग बोर्ड गवर्नमेंट है? हाँ बेटा हाँ गवर्नमेंट है। तो टोटल कंसिडरेशन चार्ज करिए 3000। कंपनी बताओ, पहले कंपनी बताओ, क्या कंपनी हमारा बिजनेस एंटिटी है? यस सर। तो आप एंट्री नंबर 6 के अकॉर्डिंग तो कहोगे कि ये तो टैक्सेबल हो गई, बट यहां एंट्री नंबर 8 के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि भैया कंसिडरेशन जो है हमारी 5000 से कम है तो ये एग्जेम्प्ट होगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? जो एसएससी के फेवर में हो, फेवर में क्या है कि वो एग्जेम्प्ट है। हमारी फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा हमारा कि ये जो है एग्जेम्प्ट हो गई है। ठीक है सर, आई नो थोड़ा ये मेरा राइटिंग पैड अच्छे से नहीं लिखता, मैं जल्दी ही कोई एक अच्छा राइटिंग पैड भी परचेज कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जेम्पशन हमारी क्या डिस्कस करी है? नेक्स्ट एग्जेम्पशन कह रही है एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 हमारी कह रही है क्या कि अगर आप प्योर लेबर सर्विसेज लेते हो, प्योर लेबर सर्विसेज क्या? मजदूरी की भैया, मजदूरी की, जो मजदूरी की होती है, जो मजदूर खड़े होते हैं, मजदूर जो पूरा दिन वर्क करते हैं, आप मजदूर की सर्विसेज ले रहे हो कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए, किसके? अपने मकान को बनाने के लिए, कि एक इंडिविजुअल हाउस को बनाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाल रखी थी कि जिससे वो हाउसिंग को प्रमोट करना चाह रही है, वो चाह रही है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी जो है हाउस एक्वायर कर सके, अपना खुद का घर हो, रोटी कपड़ा और मकान, तो अपना खुद का मकान हो। तो गवर्नमेंट की या तो उन स्कीम्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। कौन सी? प्योर लेबर सर्विसेज, प्योर लेबर सर्विसेज, या आप अपना जो है घर बनाने के लिए वो सर्विसेज ले रहे हो तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी कि आओ पहले डिस्कस, आओ पहले रीड करते हैं इसका, फिर एनालिसिस देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। क्या डिफाइन किया गया है प्योर लेबर सर्विसेज को? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ओनली लेबर एलिमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेबर है उसमें, कोई गुड्स भी इन्वॉल्व नहीं है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है किसके लिए? ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इनोवेशन और ऑल्टरेशन। तो हर एक पॉसिबिलिटी जो है कवर कर ली गई है यहाँ पे किसके लिए? ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। सर ये समझ नहीं आया, इसका एनालिसिस कराइए। तो बेटा सबसे पहले तो यहां पे अगर इन स्कीम में होगा तो ही एग्जम्पशन है, ये दो स्कीम्स है। अगर जो इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन जो हो रही है या एनहेंसमेंट हो रही है इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की, इंडिविजुअल हाउस की एनहेंसमेंट हो रही है उस स्कीम के अंदर हो रही है तो ही वो एग्जम्प्ट होगी। और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज होनी चाहिए, यहाँ पे एक है हमारा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हर एक पॉसिबिलिटी कवर करी गई सेकंड में कि कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी ओरिजिनल वर्क, सिविल स्ट्रक्चर और एनी ओरिजिनल वर्क, ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। Pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement, fourth condition, और ये हमारी scheme, fifth condition। तो एक बार original work का meaning देख लेते हैं कि original work means all new construction,
all types of additions and alterations to the abandoned or damaged structure on land, data required to make them workable, कि भैया वो उसमें तो रह ही नहीं सकते आप, तो आप उसमें addition कर रहे हो, alteration कर रहे हो, तो वो भी original work ही कहा जाता है, ये as per the GST law है definition, erection, commissioning और installation of a plant, machinery और equipment और structure, आप कोई plant और machinery और equipment जो है install कराना चाह रहे हो, जैसे कि आप generator fix करना चाह रहे हो पूरी society के लिए जो इस scheme के अंदर बनी है, आप उसके लिए प्योर लेबर सर्विसेज ले रहे हो, तो वो हमारी जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे एक PQR एंटरप्राइजेस है जो कि प्रोवाइड कर रही है लेबर सर्विसेज किस चीज के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग फ्लैट्स, हाउसिंग फ्लैट्स के लिए. अगर ये मैं कहता हाउसिंग फ्लैट्स है खाली तो वो हमारा इस एंट्री में नहीं आता है. हाउसिंग फ्लैट्स हो सकते हैं हमारे डीडी, हमारे डीएलएफ के, तो अगर डीएलएफ जो एक प्राइवेट प्लेयर है वो अगर हाउसिंग फ्लैट बना रहा है और लेबर सर्विसेज ले रहा है तो वो हमारा एंट्री नंबर 10 में एग्जेम्प्ट नहीं होगा. उसके लिए एक अलग से एंट्री है, वो भी इसके बाद देखेंगे. तो हमारे इस एंट्री में जो कवर होएगा वो होएगा हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना. तो अगर इन दो स्कीम्स के अंदर ये जो है हाउसिंग फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो वो जो PQR एंटरप्राइज ने जो सर्विस प्रोवाइड करी है वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी. सर मान लो, सर ये बताओ कि इन दो स्कीम्स में नहीं प्रोवाइड करी जा रही है और डीएलएफ ले रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट वाली एंट्री में आ जाओ, हम वहां डिस्कस करते हैं. आ जाओ, क्या क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट एंट्री. तो हमारी नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 11 कहना चाह रही है क्या कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो और फिर रेजिडेंशियल यूनिट, एक रेजिडेंशियल यूनिट का, ठीक है, अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. लेकिन आप किसी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, आप कोई सोसाइटी नहीं बना रहे, आप अदर देन रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स जो है आप सर्विसेज ले रहे हो, लेबर की सर्विसेज ले रहे हो, प्योर लेबर सर्विसेज की, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. यानी कि एक आम आदमी, हमारा एक आम आदमी अगर जो है प्योर लेबर सर्विसेज ले रहा है, एक ठेके पे दे रहा है कि भैया आप अपने लेबर सप्लाई करो, हम आपको 3 लाख रुपीज देंगे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जितना भी अमाउंट चार्ज करेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. जबकि अगर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जैसे कि हमारे डीएलएफ बनाती है, ठीक है, तो उस केस में वो जो है हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. आओ देखते हैं. तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, या पहले एग्जाम्पल से पढ़ ले, एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, फिर आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि एंट्री क्या कहना चाह रही है. आओ हम इस केस में उल्टा चलते हैं. तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ डीएलएफ के साथ, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, न्यू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं वो एक खाली लैंड पे. कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि भैया आप सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर करो. तो हमने अभी डिस्कस करा था कि अगर वो कॉमन आदमी को ही प्रोवाइड करी जा रही है, एक आम आदमी को प्रोवाइड करी जा रही है तो ही एग्जेम्प्ट होगी. और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, एक रेजिडेंशियल यूनिट की, तो इस केस में जो है डीएलएफ को जो ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी और जीएसटी पे करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट भले ही प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का है और ओरिजिनल वर्क का है लेकिन फिर भी जो है जीएसटी पेबल होगा. क्यों? क्योंकि जो ये कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल यूनिट्स की, दे आर पार्ट ऑफ ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. डीएलएफ जो है एक आम आदमी के लिए एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट नहीं बनाता, वो जो है पूरी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाता है जहां पे फ्लैट्स, जैसे कि आप देखते हो कि सोसाइटीज पूरी, तो उस केस में वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी. दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पे डीएलएफ जो है कह रहा है कि भैया आप सप्लाई ऑफ लेबर तो करो ही करो, साथ में मटेरियल भी सप्लाई कर दो. तो उस केस में एनीवेज हमारी जो है यहां पे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे एग्जेम्प्ट थे,
ये तो कहीं एग्जेम्प्ट ही नहीं है कि आप कंपोजिट सप्लाई कर दो। तो यहां पे दो सर्विसेज जो है सप्लाई हो रही है हमारी, कौन सी? एक तो सप्लाई ऑफ लेबर, एक सप्लाई ऑफ मटेरियल। तो ये हमारी जो है, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, सेक्शन नंबर 8 हमने डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में, या ये मिक्स सप्लाई है। तो जनरली मार्केट में जो है ये कंपोजिट नहीं होती, ये जो है इंडिविजुअली अलग अलग सप्लाई हम कर सकते हैं, मार्केट में होती है अलग अलग सप्लाई, इंडिविजुअली कैपेबल है सेल के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर इसको कंबाइन करोगे तो ही सेल होगे। सप्लाई ऑफ लेबर हमारी अलग से सप्लाई हो सकती है, सप्लाई ऑफ मटेरियल अलग से, तो हम इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे। और मिक्स सप्लाई के चलते जो हमारा हाईएस्ट रेट है, जो हमारा हाईएस्ट रेट है वो हमारा यहां पे चार्ज होगा, जो भी हाईएस्ट रेट होगा। मान लो किसी मटेरियल पे 5% है, किसी मटेरियल पे 18% है, तो हमारा 18% जो है चार्ज हो जाएगा, जीएसटी पेबल होएगा यहां पे। कॉन्ट्रैक्ट इज रीजन बिंग, ये क्यों पेबल है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है सर, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर एक्स। अब यहां पे एक आम आदमी के साथ हो रहा है, ये ध्यान रखना। किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑफिस, न्यू हाउस ऑन ए वैकेंट लैंड। तो आम आदमी को जो है क्या करा जा रहा है? सप्लाई करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ लेबर, लेबर की सप्लाई हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लेबर की सप्लाई हो रही होती है। तो यही हमारी एग्जेम्पशन है भैया, कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो है सप्लाई करी जा रही है और ओरिजिनल वर्क के लिए। तो यहां कंस्ट्रक्शन हो रही है एक वैकेंट लैंड पे, खाली लैंड पे, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। एंड इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल यूनिट, तो वो अपने लिए ही जो है वो यूनिट जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सेल्फ कंटेन्ड रेजिडेंशियल यूनिट। थर्ड सिनेरियो, मान लो सप्लाई हो रही है किसकी? लेबर की एज वेल एज मटेरियल की, यानी कि जो है दोनों की मिक्स सप्लाई हो रही है। तो अभी हमने डिस्कस करा कि अगर जो है मिक्स सप्लाई होती है तो उस केस में जो हमारा हाईएस्ट रेट होता है वो चार्ज हो जाता है, भले ही सप्लाई ऑफ लेबर पे, प्योर लेबर सर्विसेज पे 0% था, लेकिन क्योंकि ये अब मिक्स सप्लाई होगी तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो चार्ज हो जाएगा और जीएसटी पे होएगा। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कॉन्ट्रैक्ट करता है मिस्टर वाई के साथ, कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर का रिपेयर करने के लिए, हाउस की जो मकान की मरम्मत के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पे सप्लाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लेबर, लेकिन हम अगर अपनी एग्जेम्पशन में देखें तो यहां पे चार ही चीज बोली गई है कि कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन। यहां पे कहीं पे भी रिपेयर नहीं बोला गया, जैसा कि एंट्री नंबर 10 में बोला गया था कि रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन। तो यहां पे अगर कोई भी सर्विसेज, लेकिन रिपेयर की प्रोवाइड करी जाएगी, आम आदमी को भले ही प्रोवाइड करी जा रही है, तो भी वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी और जीएसटी पे हो जाएगा। यानी कि हमारा एग्जाम्पल से एनालिसिस क्या निकला? हमारा निकला कुछ कंडीशंस निकली कि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। किस पर्पस के लिए? इन चार पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स। यहां पे बता दिया भैया ओरिजिनल वर्क्स ही, पर्टेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए। ये नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, एक जो आप कि आप जैसे सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, जैसे कि अदरवाइज देने से पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे होने चाहिए, आप एक नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे हो, आप रहने के लिए एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो। ए सेल्फ कंस्ट्रेंट कंटेंट रेजिडेंशियल यूनिट विच इज डिजाइन फॉर यूज होली और प्रिंसिपली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज फॉर वन फैमिली। तो जनरल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, क्योंकि भैया एक फैमिली के लिए, सिंपल रहने के लिए आप घर बना रहे हो। तो सर क्या अगर हमारे हाउस में मोर देन वन रूम है
तो वो क्या सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट नहीं कंसिडर करे जाएंगे? नहीं बेटा नहीं, अगर वो जो मोर देन वन रूम है वो इकट्ठे ही सेल हो सकते हैं तो वो एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट ही कंसिडर करे जाएंगे। आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और बंगलो, आप बंगलो बना रहे हो हैविंग मोर देन वन रूम, जहां पे एक से ज्यादा रूम है इन ए यूनिट, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, और वो सेपरेट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, और सोल्ड इंडिविजुअली, ना वो बिक सकते, ना वो सेपरेट हो सकते, ना वो सेपरेटली बिक सकते एज पर दी म्युनिसिपल रिकॉर्ड, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। तो उस केस में जो हमने कंस्ट्रक्शन बंगला करा है जो कि सेपरेट नहीं हो सकता, वो एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट ही कंसिडर होगा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग हुआ? एक सिंपल सा कि एनी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स हैविंग मोर देन वन सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, जहां पे एक से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। क्रक्स क्या निकला? हम ऑलरेडी ये पॉइंट्स बना चुके हैं ऊपर क्रक्स के। तो क्रक्स हुआ हमारा कि भैया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, पॉइंट नंबर वन जो ऊपर हमने बना करा था, ओरिजिनल वर्क है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है। एक और क्रक्स में आ गया कि कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है, ठीक है। तो चलो ये हमारी प्योर लेबर सर्विसेज से रिलेटेड एग्जेम्पशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एग्जेम्पशन मार्क कर लेना इसे बच्चों, इसे मार्क कर लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारी नेक्स्ट एग्जेम्पशन हम करने जा रहे हैं। कौन सी एग्जेम्पशन? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, मतलब कि आप रेंट पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, ये तीन आर आ गए इसमें, आर आर आर, एक आर रेंटिंग, सेकंड आर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, थर्ड आर उसका पर्पस। तो आप रेंट पे दे रहे हो, ये तो हो गया, रेंट पे दे रहे हो क्या रेजिडेंशियल यूनिट, रेंट पे दे रहे हो रेजिडेंशियल यूनिट, तो आ जाओ इसको एनालिसिस से ही कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? कौन सी? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है, जैसा कि एग्जेम्पशन में बोला गया। क्या बोला गया? कि भैया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो, किस पर्पस के लिए? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। किस पे दे रहे हो? रेंट पे दे रहे हो। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल पर्पस पे दे रहे हो तो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने कमर्शियल पर्पस पे दे दिया तो वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा ही टैक्सेबल होगी। यहां पे नोट्स में जो है चेंज करना रह गया, आप प्लीज इसे टैक्सेबल कर लेना, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए, वो हमेशा ही टैक्सेबल रहेगी। तो तीन कंडीशन थी, एक रेंट पे होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। आओ एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं क्या मैंने बताया है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वुड मीन एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की जो रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, बट रहने के लिए तो होटल भी प्रोवाइड करते हैं, मोटल्स भी, इन गेस्ट हाउस, कैंप साइट, लॉज, हाउस बोट और लाइक प्लेसेस मीन फॉर टेम्परेरी स्टे। तो जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड करी जा रही है, भले ही उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कह के प्रोवाइड करी जा रही हो, जो टेम्परेरी स्टे प्रोवाइड करा जा रहा है वो हमारा कवर नहीं होगा। यानी होटल की रेजिडेंशियल पर्पस है, भले ही वो रेजिडेंस पे प्रोवाइड करना चाह रही है आपको एक महीने के लिए, चार दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, वो कवर नहीं होगा अगर वो होटल है तो। ऐसे ही ये तो हमने कर ही चुके कि एनी प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट फॉर कमर्शियल पर्पस इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ दिस एंट्री, तो वो स्कोप में ही नहीं आता है कमर्शियल पर्पस। तो ठीक है सर, एक एग्जाम्पल कर ले, ICA RTP नवंबर 2014 आओ कर लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो मिस्टर ए जो है
ओन करते हैं क्या, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो है, अब ये एग्जेम्प्ट तभी ही होगी जब ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है इन प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इनके पास। तो आईसीआई की आरटीपी में था नवंबर 2014 की, सर तब तो जीएसटी था ही नहीं। तो बेटा ये जो आपको बताया था मैंने कि कुछ एग्जेम्पशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करी गई है, कहां से, हमारे सर्विस टैक्स से, तो उसी को ही मॉडिफाई कर दिया है। चलो आओ, बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग इज लीज टू मिस्टर बी, बेसमेंट जो है लीज पे दे दी है मिस्टर बी को, जो कि एक होलसेलर है। 1/4 ऑफ द बेसमेंट इज यूज बाय मिस्टर बी एज हिज ऑफिस एंड रिमेनिंग पोर्शन इज यूज एज ए गोडाउन फॉर स्टोरिंग हिज मर्केंडाइज। तो भैया देखो यहाँ पे क्या ये रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी गई है, क्या ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दी गई है, जो हमने पढ़ा था कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंसेस, क्या ये रेजिडेंस के लिए दी गई है? तो नहीं बेटा नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा, ये कमर्शियल रेंटिंग है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। बेसमेंट से आगे हम भैया ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर दी है उन्होंने मिस्टर सी को, रेंट पे दी है किसके लिए, कि वो गेस्ट हाउस के लिए यूज करे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो गेस्ट हाउस के लिए यूज करे। तो यहां पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं दी गई, ये बिजनेस के पर्पस के लिए दी गई है, इसीलिए जीएसटी जो है पेबल हो जाएगा हमारा यहां पे। फर्स्ट फ्लोर ऑक्यूपाई करी है मिस्टर ए ने, मिस्टर ए ने खुद ही ऑक्यूपाई करी है, यहां पे मिस्टर ए बिल्डिंग ऑन करते थे और उन्होंने खुद ही ऑक्यूपाई करी है, तो इस केस में कोई सप्लाई ही नहीं है, नो सप्लाई इन्वॉल्व। सेकंड फ्लोर दी है मिस्टर डी को, हु यूजेस द सेम एज हिज रेजिडेंशियल, हां सर हां, हम यही तो ढूंढ रहे थे कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई हो, रेजिडेंशियल रेंटिंग है तो जीएसटी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिफ्थ, देयर इज ए लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकएड ऑफ द बिल्डिंग, तो मतलब उसी बिल्डिंग के पीछे साइड एक बहुत बड़ा खाली मैदान था, एक जो लैंड थी काफी खाली थी, जो कि रेंट पे दी गई पार्किंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर को, कि भैया तू अपनी पार्किंग फैसिलिटी सेटअप कर ले उस लैंड पे, तू पार्किंग प्रोवाइड कर दे, तू पार्किंग बना ले वहां पे। तो क्या ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है? नहीं, तो वैकेंट लैंड जो है जो रेंटिंग पे दिया गया वो हमारा जीएसटी उस पर पे होगा। जो सेकंड फ्लोर के बाद टॉप फ्लोर थी हमारी, वो हमने एयरटेल को दे दी, किस लिए, कि भैया तू अपना एंटीना लगा ले या अपना टावर फिक्स कर ले। रूफ जो है हमने रेंट पे दे दी, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, जीएसटी हमारा पे हो जाएगा। आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा अब तक कि रेंटिंग के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है हमारा। अब अभी जो ये होटल्स को अलग से एग्जेम्पशन नहीं प्रोवाइड करी गई, अभी देखते हैं कि कुछ एक होटल्स जो है वो स्टिल एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कैसे, आओ चलो देखते हैं। तो बीच में हम एंट्री नंबर 13 अभी स्किप कर रहे हैं, वापिस आएंगे, हम जा रहे हैं कहां पे, एंट्री नंबर 14 पे, ताकि आपको जो होटल इंडस्ट्री है उनका पता लग जाए किस तरीके से टैक्स होगी। वहां तो बोल दिया कि भैया एक्सक्लूड हो रही है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अब देखो क्या यहां बोला गया है कि सर्विसेज बाय कौन प्रोवाइड कर रहा है, होटल इन गेस्ट हाउस क्लब और कैंप साइट, चाहे किसी भी नेम से हो भैया, फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, यहां भले ही रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस ही है उनका, रेजिडेंशियल का ही पर्पस है, बट वो एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, जो हमने यहां पे पढ़ रहे थे कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का जनरल सेंस में मतलब होता है कि आप जहां पे परमानेंट रहना चाहते हो, जहां पे आप परमानेंट रहना चाहते हो, तो जनरल सेंस में उसका मतलब होता है कि परमानेंट प्लेस फॉर रेजिडेंस, जबकि होटल हमारा परमानेंट प्लेस नहीं होता, हम एक टेम्परेरी बेस पे जाते हैं। तो यहां पे जो ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही करी जा रही है, लॉजिंग पर्पस के लिए ही करी जा रही है, और तो वो वहां से तो बाहर हो गई थी क्योंकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं थी, लेकिन अब बोल दिया गया यहां पे क्या कि भैया अगर उनका टैरिफ जो है, कौन सा टैरिफ,
कौन सा टैरिफ बोला यहां पे कि डिक्लेयर टैरिफ, ये याद रखना डिक्लेयर टैरिफ, यहां पे जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो नहीं, हैविंग डिक्लेयर टैरिफ। तो मान लो आपको जब आप होटल में रहने गए, सामने बोर्ड लगा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है प्राइजेस आर 1250 पर रूम, और आपको डिस्काउंट दे दिया 500 रुपीज का, 400 रुपीज का, आपकी नेट हुई अगर 500 का डिस्काउंट दिया तो 750, तो वो जो है अलग प्राइस हुआ, आपका डिक्लेयर प्राइस अलग हुआ। तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगर डिक्लेयर प्राइस 1000 रुपीज से कम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपका भले ही रूम चार्ज कम हो गया हो, 750 हो गया हो नेट, हम डिक्लेयर प्राइस देखेंगे आप क्या डिक्लेयर प्राइस कर रहे हो। तो हैविंग डिक्लेयर्ड प्राइस टू ए यूनिट और एकोमोडेशन कितना बिलो 1000 रुपीज, क्या सर ये पूरे महीने का 1000 रुपए? नहीं बेटा नहीं, पर डे, ये देखो पर डे, पर डे और इक्विवेलेंट, एक दिन का अगर 1000 रुपए से बिलो है तो ही वो एग्जेम्प्ट होएगा। तो यानी कि एग्जाम्पल देखे तो If declared tariff value is 1250, while अगर actual rent charge अगर 900 है तो exemption हमारी नहीं मिलेगी, exemption जो है shall not be available and GST will be charged हो जाएगा कितने रुपीज पे, 900 रुपीज पे, कितना चार्ज हो जाएगा हमारा 18%। ठीक है सर, तो ये नोट्स में आपको दे रहा हूं, आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर ही रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, आप प्लीज इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान रखने वाले हैं, आप प्लीज इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, क्या कि एग्जेम्पशन जो है लिंक है किससे, डिक्लेयर टैरिफ से लिंक है, डिक्लेयर टैरिफ जो है आपका इंक्लूड करता है ना ही केवल रूम चार्ज, बट अगर कोई भी फैसिलिटी आपको अलग से प्रोवाइड करी जा रही है, आपको अलग से चार्ज करे जा रहे हैं तो वो भी इंक्लूड करता है, रूम के साथ साथ अगर आपको जो है ड्राई क्लीन की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, अगर उसके प्राइसेस अलग से चार्ज करे जा रहे हैं तो वो भी हमारा इंक्लूड होगा। तो ये सारे चार्जेस एक्सक्लूडिंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट को अभी डिस्काउंट को हम हटा नहीं रहे हैं, मतलब कि टोटल जो ग्रॉस प्राइस है हम वो कंसिडर कर रहे हैं डिक्लेयर टैरिफ के लिए। टैरिफ कौन सा हो सकता है डिक्लेयर टैरिफ, जो आपके ब्रोशर पे है, ये क्लेरिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, उसमें बताया गया था कि भैया डिक्लेयर टैरिफ क्या होगा, इंडस्ट्री में बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी। तो टैरिफ एज डिक्लेयर्ड ऑन द ब्रोशर, नॉट टैरिफ एट विच एक्चुअल रेंटिंग इज डन पोस्ट नेगोशिएशन। अब मान लो क्या कि भैया डिक्लेयर टैरिफ है 1500 और आपने नेगोशिएशन कर ली, भैया हम तो इंडियंस वैसे ही इसमें बहुत अच्छे है कि हमने कहा कि हम तो 750 देंगे, देना है रूम दो, नहीं देना मत दो, उन्होंने कहा ठीक है ले लो, तो उस केस में भी जीएसटी चार्ज होगा। जब तक हमारा डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपीज से कम नहीं है तब तक जो है जीएसटी चार्ज होगा, 1000 रुपीज तक हो सकता है, अगर उससे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो जीएसटी चार्ज होगा। कई जगह प्रॉब्लम्स आई क्या कि भैया टैरिफ जो है डिफरेंट डिक्लेयर्ड है एट डिफरेंट प्लेसेस, हर एक जगह अलग टैरिफ डिक्लेयर करा हुआ है, कि वेबसाइट पे अलग है, टैरिफ कार्ड पे अलग है, रिसेप्शन पे अलग लिखा हुआ है, तो कौन सा प्राइस हम लेंगे डिक्लेयर्ड, तो उनमें से जोन सा भी हाईएस्ट होगा हम वो कंसिडर कर लेंगे। मान लो आप होटल के रिसेप्शन पे तो कह रहे हो 1000 रुपीज, लेकिन वेबसाइट पे कह रहे हो 1500 या प्रिंट कर रहे हो 1200, तो हम तो हाईएस्ट ले लेंगे, यानी कि 1500 ले लेंगे वेबसाइट पे जो कह रहे हो। हाईएस्ट ऑफ सच डिक्लेयर टैरिफ शैल बी डिक्लेयर टैरिफ फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था क्रक्स में कि भैया ये एमिनिटीज चार्जेस भी इंक्लूड करते हैं, तो डिक्लेयर टैरिफ इंक्लूड चार्जेस फॉर ऑल एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन द यूनिट ऑफ अकोमोडेशन गिवन ऑन रेंट फॉर स्टे। कौन कौन सी एमिनिटीज, जैसे आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया, एयर कंडीशन प्रोवाइड किया गया, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया गया और एनी अदर एमिनिटीज, कुछ भी और
आपको खाने पीने के लिए कुछ प्रोवाइड किया गया, तो इन सब का अलग से चार्जेस नहीं कंसिडर करेंगे हम, इसी में इंक्लूड करेंगे जो भी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करी गई, बट विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पब्लिश चार्ज। तो डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे उसमें से। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि होटल जो है कह रहा है कि भैया 600 रुपीज हमारा डिक्लेयर टैरिफ है, एक्स्ट्रा बेड चाहिए तो 300, एसी चार्जेस हमारे 200, रेफ्रिजरेटर हमारे 200, तो टोटल हो गया हमारा 1300। तो हमें जो है इन सब को इंक्लूड करना पड़ेगा टैरिफ, डिक्लेयर टैरिफ को कैलकुलेट करने के लिए, और हमारे अब टोटल जो है 1000 रुपीज को एक्सीड कर गया, यानी कि जीएसटी जो है वो चार्ज हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या सर कि सर्विसेज प्रोवाइड करी है होटल ने, ठीक है, होटल इन गेस्ट हाउस ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बाय होटल इन गेस्ट हाउस, बट जो करेंसी है, करेंसी हमने ली है इंडियन करेंसी की जगह डॉलर्स लिए है हमने, हमने $10 चार्ज करा है, क्या ये एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा? तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो डॉलर आ गया तो एग्जम्प्ट नहीं होगा, हमारा जो है हमने चार्ज कर दिए डॉलर्स में तो एग्जम्प्ट नहीं होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि एग्जम्प्शन प्रोवाइड करेगी। बट हम एक बार दोबारा स्टडी करके देखते कि क्या यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर 1000 रुपीज पर डे और इक्विवेलेंट, ये इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि 1000 रुपए के इक्वल, हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि भैया 1000 रुपए के इक्वल ही वो जो है चार्ज किया जा रहा है ना, इससे ज्यादा तो नहीं, चाहे वो डॉलर्स में ही क्यों ना हो, चाहे वो यूरोस में ही क्यों ना हो, कोई सी भी फॉरेन करेंसी में हो, तो हमें चेक कर लेंगे कि भैया 1000 रुपए पर डे और इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ही है। आओ मैं आपको नोट नंबर 2 पढ़ाता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है, एक नोट तो पढ़ चुके, ये है सेकेंड नोट, क्या कह रहा है कि इफ रेंट चार्ज करा जा रहा है, रेंट इज चार्ज इन फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स ले लो, फ्रॉम फॉरेन विजिटर्स इन इंडिया, देन एग्जेम्पशन वुड स्टिल बी एप्लीकेबल इफ द इक्विवेलेंट रुपीज, मार्क कर लेना यहां पे इक्विवेलेंट रुपीज, एक एक एनालिसिस कर रहा हूं मैं आपके साथ एक एक वर्ड का, ताकि एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजिली आंसर कर सको। इफ द इक्विवेलेंट रेंट इन रुपीज टर्म इज लेस देन रुपीज 1000, तो अगर इक्विवेलेंट रुपीज जो है लेस देन 1000 होएगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए $10 चार्ज करे जाते हैं, तो आज की डेट में अगर मैं मान लेता हूं डॉलर का रेट है 74 रुपीज, तो वो हो गया इक्विवेलेंट INR में 740 रुपीज, तो यानी कि वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, दोबारा से एनालिसिस देख लो क्या कि भैया डिक्लेयर्ड वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी होगी, एक्चुअल वैल्यू पे हमारा जीएसटी लेवी होगा, तो हम टैक्सेबिलिटी के लिए तो डिक्लेयर्ड वैल्यू देखेंगे, जीएसटी लेवी कर कितना होगा वो हम एक्चुअल वैल्यू पे करेंगे। ठीक है बेटा, क्रक्स देखते हैं, रूम रेंटिंग इज एग्जम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एंटिटी इज रेंटिंग, तो भैया रूम रेंटिंग एग्जम्प्ट है, चाहे वो हमारा क्यों ना बिजनेस एंटिटी प्रोवाइड कर रही हो, बिजनेस एंटिटी जो होटल है वो ही क्यों ना रूम पे रेंट पे दे रही हो, तो चाहे कोई भी दे रहा हो, बिजनेस कर रहा हो चाहे, इसका वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल घर का कमरा रेंट पे दे रहे हो, होटल मोटल इन गेस्ट हाउस कैंप साइट और एनी लॉजिंग पर्पस, तो सब हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर होटल इन गेस्ट हाउस के अलावा कोई भी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होएगी वो हमारी एग्जेम्प्ट नहीं होएगी, चाहे वो जैसे एग्जाम्पल बैंकेट हॉल या ओपन गार्डन्स, तो आप कहो कि भैया बैंकेट हॉल का जो रेंट है वो जो है हम 1000 रुपीज से कम ले रहे हैं, हमारी डिक्लेयर्ड वैल्यू कम है, लोग इस तरह ना करें, इसलिए जो है सिर्फ इन्हीं एंटिटीज को यानी होटल मोटल इन गेस्ट हाउस इनको ही हमारी एग्जेम्पशन में रखा गया, अदर जितनी भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारी हर केस में टैक्सेबल होगी। अब मान लो हम रूम रेंट कर रहे हैं, कौन क्लब कर रहा है,
चाहे वो आउटसाइडर्स को कर रहा है चाहे वो ओन मेंबर्स को कर रहा है। तो अगर वो चाहे क्लब कर रहा है तो हमारा देखो क्लब साइड, क्या क्लब के बारे में कुछ था, आओ जरो देखो कि होटल इन गेस्ट हाउस, तो ये तो हम ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कर चुके। अब क्लब और कैंप साइट देखेंगे कि भैया क्लब कर रहा है तो क्लब जो है अगर खुद के मेंबर्स को चार्ज कर रहा है तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लब, ये एक बिजनेस एक्टिविटी हुई। दस रेंटिंग जो है अट्रैक्ट करती है जीएसटी, तो वो टैक्सेबल होगी। बट अगर क्लब जो है डिक्लेयर टैरिफ रख रहा है उन रेंटेड रूम का 1000 रुपीज पर डे, बिलो इस बिलो रुपीज 1000 पर डे, तो जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो क्लब प्रोवाइड कर रहा है चाहे होटल इन गेस्ट हाउस, एग्जेम्प्ट तभी होगी जब 1000 रुपीज और लेस है। रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं किसके द्वारा, बाय धर्मशाला आश्रम और एनी सच एंटिटी। तो रूम भले ही रेंट पे दिए जा रहे हैं किसके द्वारा, आश्रम धर्मशाला और सच एंटिटी, तो इस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उसका डिक्लेयर टैरिफ जो है बिलो रुपीज 1000 हो। क्योंकि एग्जेम्प्शन जो है सप्लायर को कंसीडर ना करते हुए कि सप्लायर कौन है, हमने डिस्कस करा था एनालिसिस में कि भैया सप्लायर कोई भी हो सकता है, क्रक्स देखा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एंटिटी इज रेंटिंग, ये हमारा क्रक्स था, ठीक है बेटा। तो चाहे वो धर्मशाला कर रही है, आश्रम कर रही है, रूम रेंट पे कोई भी कर रहा है, डिक्लेयर टैरिफ हमारा 1000 से कम होना चाहिए, हमें तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दी दस एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय धर्मशाला आश्रम और अदर रिलीजियस एंटिटीज शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जहां पे हमारा डिक्लेयर टैरिफ जो है बिलो रुपीज 1000 होएगा। तो धर्मशाला, अगर धर्मशाला जो है इनके इन टाइप की एंटिटीज के ऊपर एक स्पेसिफिक एंट्रीज है, एंट्री है एंट्री नंबर 13, तो ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे इसको डिस्कस हमने करना है। अभी जब हम एंट्री नंबर 13 कर लेंगे हम इसके ऊपर वापस आएंगे ताकि क्लैरिटी हो सके। रूम रेंटिंग बाय होस्टल, मान लो होस्टल जो है रेंट पे दे रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा। रेंटिंग ऑफ एकोमोडेशन यूनिट फॉर रेजिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पसेस, देखो दो कंडीशन होना जरूरी है एकोमोडेशन यूनिट, तो यहाँ पे है कि रूम दे रहे हैं रेजिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के रेजिडेंट रहने के लिए दे रहे हैं, विद डिक्लेयर प्राइस बिलो 1000 इज एग्जेम्प्ट। अब वो चाहे हॉस्टल के स्टूडेंट को दे रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सप्लायर, चाहे वो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा हो जो है एकोमोडेशन यूनिट, तो एन हॉस्टल इज ए कमर्शियल बिल्डिंग एंड इज जनरली ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जस्ट लाइक ए होटल, दस रूम्स प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल शैल आल्सो बी एग्जेम्प्ट एज लॉन्ग एज हॉस्टल रेंट इज बिलो रुपीज 1000 पर डे और इक्विवेलेंट रुपीज 30,000 पर मंथ। तो ये एक सर्कुलर आया था अभी आपका बहुत लेटेस्ट, आप देख सकते हो जून में आया था ये सर्कुलर, 2018 का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 32। तो ये सर्कुलर अभी रिसेंटली आया था, सर्कुलर मतलब कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हॉस्टल में चार्जेस लिए जा रहे थे 15,000 रुपीज पर मंथ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या इस पे जीएसटी लेवी होगा या नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन निकाली, एक सर्कुलर निकाला जिसमें बताया गया कि आपके अगर 1000 रुपीज पर डे और लेस है तो आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, या अब आपका डिक्लेयर टैरिफ अगर 15,000 पर मंथ है तो 500 रुपीज पर डे हो गया, यानी कि आप एग्जेम्प्ट हो गए। तो अगर 30,000 रुपीज पर मंथ तक अगर वो हॉस्टल चार्ज करता है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर क्या ये हमारा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली एंट्री में कवर नहीं हो रहा, तो बेटा वहां पे था क्या था, आओ कि सर्विसेज बाय ए पर्सन, ये वाली नहीं थी सॉरी,
ये वाली एंट्री थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूजर रेजिडेंस, तो रेजिडेंस कहीं तो यूज हो रही थी लेकिन वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं थी, हमारी हॉस्टल जो है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है। तो वो हमारी जो है वो रेजिडेंशियल यूनिट या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, वो एक कमर्शियल है, एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो कि आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए देख रहे हो, जबकि हॉस्टल तो है जनरली एक महीने दो महीने के लिए ही लोग देखते हैं, 15 दिन 20 दिन, तो उस केस में जो है वो हमारी इस एंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अगर 1000 रुपीज पर डे तक रेंट है यानी कि 30,000 पर मंथ। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे क्योंकि पर मंथ यूजुअली हॉस्टल चार्जेस होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन निकाली, एक सर्कुलर निकाला कि भैया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी आपकी इस एंट्री में, तो डाउट मत करना और पॉजिटिव रहना। एग्जाम में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि हॉस्टल जो है स्टूडेंट्स को रूम रेंट प्रोवाइड कर रहा है, रूम रेंट्स पे प्रोवाइड कर रहा है 30,000 पर मंथ, तो आप एंट्री नंबर 14 का मेंशन करते हुए आप उसको एग्जेम्प्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है सर, तो हमारी बची है अभी बीच में एंट्री नंबर 13, हम एंट्री नंबर 14 कर चुके हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं इसी वीडियो में ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर सके क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, किसकी ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है सर, तो आओ हमारी बची है कौन सी एंट्री नंबर 13, उसको हम स्टार्ट करते हैं क्या कहती है। तो एंट्री नंबर 13 क्या कहती है कि अगर आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करा रहे हो जैसे कि पंडित की, चाहे आपका जन्म हो चाहे मरण हो चाहे कोई पाठ पूजा करा रहे हो, मतलब आने से लेकर जाने तक कोई भी आप सर्विसेज जो रिलीजियस नेचर में करा रहे हो, रिलीजियस सेरेमनी करा रहे हो कि आप मुहूर्त करा रहे हो कहीं भी प्लेस का, तो जो भी आप पैसे भैया पंडित जी को दे रहे हो, जो भी पैसे पंडित जी को दे रहे हो, जो भी पंडित जी की कलेक्शन हो रही है आपसे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यानी कि सर्विसेज बाय ए पर्सन, एक पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करने के लिए, रिलीजियस सेरेमनी को क्या डिफाइन किया गया है आओ देख लेते हैं। डिफाइन किया गया रिलीजियस सेरेमनीज आर लाइफ साइकिल्स रिचुअल्स, पूरी आपकी जो लाइफ की साइकिल है उसमें कोई भी रिचुअल जो आप कराते हो, आपका बर्थ हुआ है, आपका बर्थडे है, आप कोई भजन करा रहे हो, कीर्तन करा रहे हो, कोई पाठ करा रहे हो, कोई पूजा करा रहे हो, तो लाइफ साइकिल रिचुअल्स है इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजा कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस कंटेक्स्ट बाय ए पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय सच रिलीजियस टेक्स्ट। तो हर एक रिलीजियस जैसे कि पंडित जी जो होते हैं, ओकेजंस लाइक बर्थ मैरिज एंड डेथ इन्वॉल्व इलेबोरेट रिलीजियस सेरेमनीज, तो इनके ऊपर तो काफी इलेबोरेट काफी रिलीजियस सेरेमनी होती है, देयरफॉर सर्विस ऑफ पंडित प्रीस्ट एक्सेट्रा शैल बी एग्जेम्प्ट, उन पंडित की सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करी जा रही है वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बेटा ये तो था पंडित जी की सर्विसेज के से रिलेटेड, अब अभी हम रेंटिंग की सर्विसेज सारी कर रहे थे, हमने देखा कि हम रेजिडेंशियल यूनिट अगर रेंट पे दे रहे हैं, हमने देखा कि होटल्स मोटल्स इन गेस्ट हाउस रेंट पे दे रहे हैं जहां पे रेंट जो है लेस देन 1000 है। अब अगर ये कोई रिलीजियस एंटिटी जो है होटल की नहीं रहने की रूम रेंट की सर्विस देती है या कोई भी रेंटिंग से सर्विस से देती है तो वो भी हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी इसी एंट्री के अंदर। चलो देखते हैं, कुछ एक बस लिमिट्स बता दी गई है भैया कि अगर आप होटल आप रूम दे रहे हो तो 10,000 रुपीज पर डे, आप कोई शॉप दे रहे हो तो 10,000 रुपीज, तो लिमिट्स डिफाइन कर दी गई है। तो आओ देख लेते हैं क्या लिमिट्स हैं, अगर ये जो रिलीजियस पर्सन है, जो रिलीजियस एंटिटी है, रिलीजियस ट्रस्ट है, वो रेंटिंग की सर्विसेज देती है, दैट मींस रेंटिंग की सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, एक रिलीजियस प्लेस को रेंट पे दिया जा रहा है किस लिए, जो कि बना है जनरल पब्लिक के लिए, रिलीजियस प्लेस जहां पे जनरल पब्लिक आ जा सकती है, जो कि
ओन्ड है और मैनेज्ड है बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, तो उस एंटिटी को रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के साथ, तभी वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आएगी। आप कह दो कि मैंने ये मंदिर बना दिया है और एक छोटा सा मंदिर अपनी शॉप पे बना के आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, बोलते हो मैंने तो रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उस केस में उसको रिलीजियस ट्रस्ट नहीं माना जाएगा। आप जो है एक एंटिटी रजिस्टर्ड होने चाहिए इनकम टैक्स के साथ, और वो तभी हो सकते हो जब आप एक्चुअल में एक रिलीजियस ट्रस्ट हो। तो अगर आपका रिलीजियस पर्पस है, आपको पूरा डिफाइन करना पड़ता है रजिस्टर होने के साथ इनकम टैक्स के, तो अगर आपका रिलीजियस पर्पस है तो ही आप रजिस्टर हो सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटी की बात करें भैया, एंटिटी रजिस्टर्ड एज रिलीजियस और चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड सब क्लोज 5 ऑफ क्लोज 23 ऑफ सेक्शन 10, यानी कि 10 सब सेक्शन 23C और क्लोज 5। ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस क्लोज, तो यानी कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ तो ही आपकी रेंटिंग की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। या फिर आप एक बॉडी हो सकते हो और अथॉरिटी, एक बॉडी या फिर अथॉरिटी विच इज कवर्ड अंडर क्लोज 23BBA ऑफ सेक्शन 10, तो आप 10-23BBA के अंदर कवर होने चाहिए, यानी कि आप इनकम टैक्स के 12AA में कवर हो सकते हो, 10-23C5 में कवर हो सकते हो, 10-23BBA में कवर हो सकते हो, तो ही आपकी रेंटिंग की सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। बट प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, नथिंग कंटेंड इन एंट्री बी, एंट्री बी कौन सी, जो भी हमने रेंटिंग की देखी, नथिंग कंटेंड इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्प्शन शैल अप्लाई टू, तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा जब कब आप रूम रेंट पे दे रहे हो, और उसके चार्जेस जो है, यहाँ पे चार्जेस ये याद रखना, यहाँ पे आपके डिक्लेयर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं, आर 1000 रुपीज और मोर पर डे, और ना ही यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात कर रहे। तो आप अगर डॉलर्स में चार्ज करोगे, भैया आप ट्रस्ट हो और आप डॉलर्स में करते हो, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। आप डिक्लेयर्ड वैल्यू 1500 रखते हो और चार्जेस 900 लेते हो, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, मैं एक एक पॉइंट एनालिसिस करा रहा हूं आपको, तो आप अपने साइड में शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूं वो लिखते भी जाना। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स तो जो है मैंने अपने नोट्स में ही इंक्लूड करे हुए हैं कि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े या आपसे रह ना जाए जब आप एग्जाम में रिविजन करोगे। ठीक है सर। सेकेंड, रेंटिंग ऑफ प्रेमिसिस या फिर कम्युनिटी हॉल्स, कल्याणमंडपनम और ओपन एरिया, तो ये तो थी हमारी रिलीजियस सर्विसेज, ये थी हमारी रिलीजियस सर्विसेज। अब आप कोई प्रेमिसेस जो है या कम्युनिटी हॉल, ये हॉल आप रेंट पे दे रहे हो या एक ओपन एरिया दे रहे हो, ठीक है, प्रेमिसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड द लाइक, वेयर चार्जेस आर 10,000 रुपीज और मोर, जहां पे चार्जेस आपके 10,000 रुपए से ज्यादा है पर डे, तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप कहो भैया मैं एक ट्रस्ट हूं, मैं एक रिलीजियस बॉडी हूं, मैं चार्ज कर रही हूं 15,000, ऐसा नहीं होगा। आप अगर आपका अर्निंग का पर्पस हो रहा है, आप इतने ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हो कि भैया एक नॉर्मल पर्सन ना अफोर्ड कर सके, तो उस केस में आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो पर्सन 15,000 दे सकता है तो हमारे को जीएसटी भी दे सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं। या आप रेंट पे दे रहे हो शॉप, आप देखते होगे अक्सर कहीं पे मंदिर जाते होगे, वहां पे शॉप्स होती है जो कि वो जो टेंपल वाले होते हैं वो रेंट पे दे देते हैं, तो आप अगर शॉप्स रेंट पे दे रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, कॉमर्स पर्पस के लिए, तो चार्जेस जो है 10,000 या उससे ज्यादा होएंगे, तो एग्जेम्पशन जो है अप्लाई नहीं होगी, हमारी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको वैसे तो एनालिसिस साथ साथ पढ़ा दिया है, एक बार दोबारा देख लो ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो सप्लायर कौन हो सकता है, ओनली 3 एलिजिबल सप्लायर कौन कौन से भैया, ये जो हमने अभी देखे थे, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA या फिर
1023C5, 1023BBA, तो यही तीन एलिजिबल सप्लायर हैं जो कि रेंटिंग की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। हम एनालिसिस सिर्फ 13B का कर रहे हैं। यहाँ पे रेंटिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्रेजेंस ऑफ ए रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक। पर्पस क्या है? क्या यहाँ पे पर्पस बताया है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए? तो वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। रेंटिंग में भी फॉर एनी पर्पस, इट नीड नॉट बी फॉर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी ओनली। कि ये नहीं कि आप वहां पे रिलीजियस सेरेमनी कर रहे हो तो ही कवर होगी। आप रिलीजियस सेरेमनी करो यानी कि कम्युनिटी हॉल आपने दिया लेकिन आपने शादी के लिए दिया तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वहां पे रिलीजियस सेरेमनी नहीं हो रही, वहां पे पर्सनल एक फंक्शन रखा जा रहा है। ठीक है, तो रिलीजियस सेरेमनी हमारी हुई आपकी कि कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, भजन संध्या है। ठीक है, कोई भी पर्पस हो सकता है यहाँ पे, बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इसी एक एग्जाम में आ गया तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन रूम्स की 1000, प्रेमिसिस की ₹10,000 पर डे, शॉप्स की ₹10,000 पर डे। ठीक है बेटा, क्या एग्जाम्पल कर ले हम? चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल करते हैं और हमारी ये खत्म हो जाएगी एग्जेम्पशन। आज की क्लास हम फटाफट से खत्म करने वाले हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई ये मुझको पता है, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर अगर इतना टाइम लगेगा तो हमारा कोर्स कब कवर होगा। प्लीज ट्राई टू मेक सम बिग वीडियोस और ट्राई टू कवर एज सून एज पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो एक ही वीडियो में साथ साथ ही खत्म करा देते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दी श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट इज ए रिलीजियस ट्रस्ट। एक रिलीजियस ट्रस्ट है, देखो यहाँ पे, तो मतलब मेरा सप्लायर जो है वो रिलीजियस, वो मतलब कि एलिजिबल है, ये जो हमने डिस्कस करा था। तो ये एक रिलीजियस ट्रस्ट है एंड हैज फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या फर्निश कर रहा है आओ देख लेते हैं। रेंटिंग पे दे रहे हैं वो रूम्स वेयर चार्जेस आर 800 पर डे। तो क्या ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? ये हमारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर चार्जेस आर 1250 पर डे, इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। हमारा जो थ्रेशोल्ड है क्या है यहाँ पे? 1000 rupees पर डे। तो 1000 या उससे कम हुआ तो हमारा एग्जेम्प्ट, 1000 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, कल्याण मंडपनम ये क्या होगा? ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये 10,000 से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस, शॉप्स देखो बिजनेस पर्पस के लिए दे रही है लेकिन 10,000 से कम है, अगेन क्या हुआ? एग्जेम्प्ट हो गया। और अगर 12,000 है तो टैक्सेबल हो गया। आई होप आप, अगर इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूं कैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप उसको आंसर कर पाओगे क्योंकि मैंने हर एक एग्जेम्पशन को हर एक एस्पेक्ट से कवर किया है। कि किसी कुछ भी उसके एक एक वर्ड को एनालाइज करा है कि आपसे क्वेश्चन डॉलर्स में पूछ लिया जाए अगर रेंट में, कि हमने रेंट दिया है होटल पे, होटल हमने सर्विसेज ली है वो डॉलर में पे करी है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर इक्विवेलेंट रुपीज 1000 से कम है। तो ऐसे हमने एक एक पॉइंट को एनालाइज करा है और मैं होप करता हूं कि आप अपने आंसर, अपने जब आप ICI के एग्जाम में, जब आप अपने एग्जामिनेशन में लिखोगे तो सबसे पहले एंट्री का रेफरेंस दोगे कि भैया GST लॉ का रेफरेंस दोगे कि GST लॉ में ये कहा गया है, हमारे केस में ये है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि GST चार्ज होगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक चीज रह गई थी हमारी, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने सर्कल कराया था क्या कि ये मैंने सर्कल कराया था कि ये हो सकता है, मान लो रिलीजियस ट्रस्ट हो, धर्मशाला आश्रम रजिस्टर्ड हो, उन तीन एलिजिबल पर्सन के साथ हो, वेदर रेंटिंग बाय रिलीजियस बॉडी इज एग्जेम्प्ट अंडर एनी अदर एंट्री ऑल्सो, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो बताओ क्या ये कवर्ड है? अगर वो रजिस्टर्ड है तो यस ऑफकोर्स कवर है, यस एंट्री नंबर 13 अवेलेबल टू देम, बट इवन देयर रूम रेंटिंग बाय टेम्पस इज एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन चार्जेस आर लेस देन ₹1000। तो अगर रजिस्टर्ड है तो वो एंट्री नंबर 13 में हो जाएगा, और वो ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एंट्री नंबर 14 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कि कोई भी सर्विसेज अगर रेंट की प्रोवाइड कर रहा है
तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर लेस देन 1000 रुपीज हो। क्या व्यूज बनते हैं देख लो अंडर एंट्री नंबर 13 एग्जेम्पशन। लेकिन एक डिफरेंस है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका अगर डिक्लेयर टैरिफ जो है वो अगर 1000 रुपीज से ज्यादा होगा, आप रजिस्टर्ड हो आपका, लेकिन आपने जो एक्चुअल चार्ज करा है वो कम करा है, फिर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि वहां पे चार्जेस की बात हो रही है। क्या व्यू बनता है कि अंडर एंट्री नंबर 13 एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू डिक्लेयर टैरिफ। वहां पे डिक्लेयर टैरिफ से लिंक्ड नहीं है, नॉट लिंक्ड, सो एग्जेम्पशन बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड एज लॉन्ग एज द एक्चुअल चार्जेस आर लेस देन 1000। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो, एंटिटी एलिजिबल सप्लायर में आते हो जो हमने अभी एनालिसिस में देखा था, तो आप तब भी एग्जेम्प्ट हो जाओगे क्योंकि आपके लिए वहां पे डिक्लेयर टैरिफ की बात नहीं करी गई है। तो हमने आज 7 और एंट्रीज कवर कर ली है। तो रेंटिंग से रिलेटेड हमने कवर कर ली है, हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज खत्म कर ली है। अभी अभी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हाँ, भूलिएगा मत कि शेयर जरूर करिएगा वीडियो को और थम्स अप प्रेस कर दीजिएगा लाइक में। कमेंट्स और लाइक्स जो है डेली चेक करता हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा क्योंकि मैं एक अपना जो है तो मैं अपना एक प्लान लेके चल रहा हूं कि मैं डेली कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम फिक्स कर दूं, आइदर डे टाइम और नाइट टाइम, कि जब मैं वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगा तो आप बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होए। चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।